हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। मैं गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है बाल बच्चन। कंगना रनौत ने 2006 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर थी और अपने पहली फिल्म से ही उन्होंने अपने अभिनय का जो जलवा बिखेरा, लोग उसके दीवाने हो गए। और उसके बाद मधुर भंडारकर ने जब उन्हें मौका दिया फिल्म फैशन में, तो इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। मधुर भंडारकर की कई फिल्मों को इसके पहले भी नेशनल अवार्ड मिल चुके थे। और इसके बाद कंगना रनौत को लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। कंगना रनौत ने इस 15 साल में अपने पास कुल 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं। फैशन के बाद क्वीन, क्वीन के बाद तनु वेड्स मनु और फिर मोनिका लीकर। वहीं मधुर भंडारकर कुछ रियल स्टोरीज पर, कुछ रियल इंसिडेंट पर फिल्में बनाना पसंद करते हैं। अब कंगना रनौत और मधुर भंडारकर एक साथ पर्दे पर आने वाले हैं, यानी कि मधुर भंडारकर कंगना रनौत को फिर से एक बार डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म की कहानी सत्य घटना पर आधारित होगी। कश्मीर की एक पॉप सिंगर लड़की की कहानी है जिसे आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। कहा तो ये जा रहा है कि ये फिल्म पॉलिटिकल थ्रिलर होगी। अगर पॉलिटिकल थ्रिलर होगी तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मधुर भंडारकर इसके साथ ट्रीटमेंट कैसा करेंगे। वैसे मधुर भंडारकर कई दिनों से लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन कंगना रनौत की लास्ट फिल्म धाकड़ थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन कंगना मैडम कभी भी इस बात को मानना नहीं चाहती है कि धाकड़ बुरी तरह से फ्लॉप हुई। वो हमेशा दूसरी फिल्मों के नाम लेती है। वैसे धाकड़ में कंगना रनौत का एक्शन सीन काफी अच्छे थे। तो कंट्रोवर्सी गर्ल कंगना रनौत और कंट्रोवर्सियल डायरेक्टर, तो क्या ये फिल्म फिर से नेशनल अवार्ड जीत पाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं, जो टैलेंट मधुर भंडारकर के पास है, जो टैलेंट कंगना रनौत के पास है, ये लोग अगर किसी फिल्म में काम करें तो नेशनल अवार्ड जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं साजिद नाडियाडवाल, जिनकी आखिरी फिल्म थी वेलकम बैक। उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म को अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही कोई खबर ऐसी है कि किसी फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले हैं। उससे पहले मधुर भंडारकर की फिल्म बबली बाउंसर 23 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में है। ये कॉमेडी फिल्म है और ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग हंसते हंसते हॉल से बाहर आएंगे। मधुर भंडारकर, जिसे एक संजीदा डायरेक्टर कहा जा रहा है, एक कॉमेडी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो देखते हैं वो कैसी होगी। वैसे कंगना रनौत और मधुर भंडारकर की जुगलबंदी के बारे में आपको क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।